वेलकम टू माई क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शन गिवन टू आस हियर ए लिस्ट ऑफ समस्टिकल फंक्शन इज गिवन ऑल फंक्शन लिस्टेड हियर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट एस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे स्लोब फंक्शन की आइएगा शुरुआत करते हैं स्लो फंक्शन के साथ स्लो फंक्शन इट रिटर्न द स्लोप ऑफ द लीनियर रिग्रेशन लाइन थ्रू द गिवन डेटा पॉइंट सबसे पहले तो मैं आपको स्लोप का यहां पर मीनिंग क्लियर कर देता हूं द स्लोप इज द वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द होरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑन द लाइन विच इज द रेट ऑफ चेंज अलोंग द रिग्रेशन लाइन इस चीज को इस तरह से रेफर किया जा सकता है इन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वेशन द स्लोप इज डिफाइंड एज बी जब हम रिग्रेशन इक्वेशन ए प्लस बी एक्स की बात करते हैं तो वहां पर बी स्लोप को डिफाइन करता है स्लोप के सिंटेक्स के अंदर हमें दो बातें कही गई हैं। पहला आर्गुमेंट नॉन वाइज होगा और सेकेंड आर्गुमेंट नॉन एक्स होगा ये नॉन वाइज और नॉन एक्स क्या चीज हैं? मैं आपको ये दोनों बातें एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉन वाइज एन एरे आर सेल रेंज ऑफ न्यूमेरिक डिपेंडेंट डेटा पॉइंट जो हमारे वेरिएबल्स डिपेंडेंट नेचर के हैं उनको हम रेफर करते हैं नॉन वाइज सिमिलरली नॉन एक्स दिस इज द सेट ऑफ इंडिपेंडेंट डेटा पॉइंट्स जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट नेचर के हैं उनको हम नॉन एक्स के नाम से जानते हैं अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल को लेके इस स्लो फंक्शन को क्लियर करूंगा इस एग्जाम्पल को टेकअप करने के लिए मैंने दो कॉलम्स लिए हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर डिस्टेंस इन माइल्स दिया गया है और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर डिलीवरी टाइम इन डेज दिया गया है स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा अगर डिस्टेंस 725 माइल का है तो डिलीवरी टाइम हमें लगता है पाँच दिन का अगर डिस्टेंस कम है तो हमें डिलीवरी टाइम भी कम लगता है डिस्टेंस 570 माइल का है तो डिलीवरी टाइम फोर डेज का है इस तरह से ये हमारे पास डेटा दिया गया है अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप यहीं से एनालाइज कर लेंगे डिलीवरी टाइम इज़ डिपेंडेंट ऑन दी डिस्टेंस कवर्ड जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा डिलीवरी टाइम बढ़ता जाएगा सो डिलीवरी टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और डिस्टेंस इन माइल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया इसको हम रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स के केस के अंदर के b सिंबल से स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं मैं इस जगह के ऊपर स्लोप लिख रहा हूं क्योंकि इस फंक्शन को हम टेकअप करने जा रहे हैं रिजल्ट के केस के अंदर के मैं स्लोप फंक्शन को यहां पर ले रहा हूं

स्टूडेंट जब हम रिग्रेशन इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं तो रिग्रेशन इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स उसके अंदर ये बी स्लोप की फॉर्म के अंदर हमें कैलकुलेशन करके देता है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन वाई इज इक्व टू ए प्लस बी एक्स के अंदर फिट करते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्लोप फंक्शन अब आपको यहां पर क्लियर होगा थैंक यू वेरी मच